तो पहला जय शंकर जी ते आप सब का स्वागत है साढ़े चैनल आर्टिस्ट कुरैन ते। ते मेरा नाम है अजमीशु पायक ते मैं हाँ एक कोरियोग्राफर क्रिएटर ते एक यूट्यूबर। सो आज दी जड़ी वीडियो है इस विच मैं एक छोटी जी कोशिश की है एक आर्टिस्ट नूं मिलाउण दी ते मेरी आने वाली वीडियो विच भी मैं यही कोशिश रहूगी कि जिन्हें भी कुरैन सिटी के अंडरग्राउंड आर्टिस्ट है उन्होंने तुहाडे सामने लैके आवां ते तुहाडे रूबरू करावां। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए तुहानूं मैं मिलाउण जा रहा हाँ अपनी ही टीम के एक कलाकार एक आर्टिस्ट नाल। सो जिन्हों की बहुत ही पछाण है साढ़े कुरैन सिटी तो जलंधर सिटी में। सो अज साढ़े नाल आशीष वासुदेव जी जो साड़ी कुरैन सिटी तो जलंधर सिटी में बहुत फेमस हैं तो अज आप जाने इन्हों की एक्टिंग कलाकारी बारे। सो आशीष वासुदेव जी सारे नाल पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि तुम फगवाड़े सिटी से रहते हो तो मैं बहुत बार तुम्हें कुरैन सिटी में ही देखा है तो कुरैन सिटी में ही नोटिस किया है इस तरह के तुम कुरैन सिटी नाल ज़्यादा मतलब लगाव कलाकारी है शौक कि मैंने कुछ सीखने को मिले उन्होंने देख के मैंने इन लगा कि मैं भी कुछ कर सका जो लोगों को खुशी हो। ठीक है मोंटी नटराजन दिल्ली के बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने देख के इन्होंने इंस्पिरेशन जागी तो कुछ करने की इच्छा जागी तो अज ये उन्होंने बदौलत एक कलाकार के आर्टिस्ट आ। तो मेरा नैक्सट क्वेश्चन यह है कि जेडे रामलीला के अमेजिंग पात्र हो तो मैं थोड़े बहुत रोल देखे तो मैं भी ता एक रोल देख के फैन हुआ सी उदों तो मैं तुम्हें फॉलो करता हाँ तो जो अपने रामलीला रोल आ बहुत अच्छे अच्छे तो तुम भरत मिलाप हनुमान जी तो बहुत ही अच्छे अच्छे रोल करते हो तो इन सब जो रोल आते इन कि रोल पसंद है तुम रोल तो देखो जी कोई छोटा व्डा नहीं होंगे सारे रोल एक होंगे पर इन्होंने जो कि कुछ खास रोल है जो जिद बहुत वीड्डी सिखलाई है वो रोल है भगवान भरत जी का उन्होंने दिखाया है दो भावों का प्यार किस तरह का सी। ठीक है जी इदा इन्हों भरत मिलाप के रोल में बहुत मुहब्बत है मैं देखा है बहुत ही अच्छा रोल करते हो वाला तो वह लिंक मैं नीचे पा दूंगा तुम भी उसकी वीडियो देख सकते हो। तो अगला मेरा क्वेश्चन ये है कि 10 साल पहले तो इंस्पीरेशन जा गई सी मोंटी नटराजन देखे मतलब दिल्ली के आर्टिस्ट तो अज की डेट से जोड़े आर्टिस्ट आस सब तो ज़्यादा फॉलो करते हैं तो किसन देख के तुम अपना मतलब अपने आप का मेकअप हर एक चीज़ में परफेक्ट करते अज की डेट में जलंधर के बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट मून नीलकंठ जी जिन्हों का नाम है उन्होंने ही मैं बहुत गुरु मानता है तो अचक जो भी मैं सीखता सब उन्होंने सिखलाई है जो भी अच्छ मेरा ड्रैसअप लुक है फेसबुक है व्यू लुक है सारा कुछ उन्होंने ही सिखलाई है। ठीक है जी अज की डेट इन इन्हों का मनना है कि जलंधर में बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं मून नीलकंठ जी तो उन्होंने फॉलो करते हैं तो उन्होंने हर एक चीज़ को अपने लागू करते हैं तो हर एक चीज़ उन्होंने सीखते अज की डेट। सो मेरा नैक्सट क्वेश्चन यह है जिदा तुम अपना मेकअप कलाकारी अपनी एक्टिंग के नाल ना तुम होर कुछ की करते हो अपनी लाइफ मैं बैंक च भी जॉब करता हूँ। अच्छा जी इस काम के नाल ने बैंक च भी जॉब करते हैं तो उस तो इलावा शाम बैंक 7 बजे तक फ्री हो जी उस तो बाद करते काम करके डांसिंग वगैरह मेकअप थोड़ा हाथ खोली है तो जो ये फ्री होंगे तो अपना जो अपना मेकअप की सफाई वगैरह अपनी डांसिंग की प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत ही अच्छी गल आ। मेरे मन में नैक्सट क्वेश्चन यह है कि जिदा कुरैन सिटी में तुम्हारी बहुत पछाण है तो जलंधर से भी पछाण आ तो जलंधर से बहुत ही अच्छे अच्छे आर्टिस्ट आते मोनू नीलकंठ जी जो तुम्हारे गुरु आ तो उन्होंने तो तुम बहुत कुछ सीखते हो तो जलंधर से होर भी बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं कि तुम नाम लेना चाहोगे उन्होंने कपिल कोहली जी है बहुत अच्छे आर्टिस्ट है ओम आर्ट ग्रुप रजत ग्रुप जी बहुत अच्छे भी आर्टिस्ट हैं अंकुश भारद्वाज जी साहिल जटादार जी सारे बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट ने जो जलंधर शहर में जलंधर शहर का नाम जलंधर आर्टिस्ट है। सो जलंधर च बहुत ही इदा के आर्टिस्ट है जिन्हों तो इन्हों कुछ ना कुछ सीखने मिलता रहा वा तो अपने आप में परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो इदा ही उन्होंने देख के सीखते तो करते रहोगे। सो मेरा इंटरव्यू लास्ट क्वेश्चन आशीष वासुदेव यह है कि जिदा तुम 10 साल तो मेहनत कर रहे हो एक्टिंग कर रहे हो हूँ तुम एक पूरे प्रॉपर एक कलाकार हो एक आर्टिस्ट के नाम तो जाने जाते हो साड़ी कुरैन सिटी के तो जिहड़ा तुहाडा ये कलाकारी है एक्टिंग है इसनों तुम अगे लैके जाना चाहोगे भोले शंकर जी दी दया रही तो
पूरी मेहनत करेंगे, इस काम को बहुत अगे लैके जावेंगे तो अपने शहर का नाम रोशन करेंगे। बहुत वाली कोई इस चैनल के मैसेज तो ग्रैंड सिटी वाले कोई मैसेज देना चाहोगे? अच्छा जी, हाँ जी, सब तो पहले मैं मैसेज यही देना चाहूँगा कि जो भी काम कर रहे हैं आप, जो भी काम शुरू कर रहे हैं, अपनी मेहनत से श्रद्धा भावना ना करो, जरा भी गवर्नमेंट है उसकी सहायता करो, भोले शंकर जी सब तीन दया बनाए रखन, बस थोड़े अगर यही मैसेज साझा करना चाहता जी। जय शंकर। तो साड़ी चैनल की तुहानू ये फस्ट वीडियो इंटरव्यू किदां दी लगी सानू जरूर दस्यो, तो इस वीडियो जो विच तुहानू कुछ भी चंगा लगा तो इस वीडियो नू शेयर करियो, तो हो सके तो सबसक्राइब भी कर दियो। सो थैंक यू सो मच जी। जय शंकर जी।